नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आओ बातें करें में। दोस्तों यादव जी मूवीज लिखते हैं, ह्यूमन ट्रायल में टाइम ग्लूसी ने दांत उगाए क्या तथा क्या साइड इफेक्ट दिखे? यादव जी मैंने आपसे कहा ये दवा दांत उगाती नहीं, दांत के जो टूटा हुआ दांत है उसकी रिपेयरिंग करती है। जो दांत उगने की प्रक्रिया है उसको हजार गुना ज्यादा तेज कर देती है, जिसके कारण आपकी जो जड़ है ना, यू कहते हैं जैसे पौधे को नीचे से पोषण मिले, कटा हुआ पौधा मोल जाता है, उसमें से नए अंकुर फूट पड़ते हैं। कारण क्या है कि पौधा भी जीना चाहता है और वो तेजी से रिपेयरिंग का कार्य करता है। इसी प्रकार अगर आपका दांत टूटा हुआ है, उसकी जड़ है, तो जड़ में टाइप ग्लूसी स्टेम सेल को उत्तेजित करेगी। स्टेम सेल में वो गुण होता है कि वो दांत की वो ही संरचना जो कि दांत मूल था उस संरचना को बना देती है, बशर्ते उसे नीचे से बैकअप मिले, पोषण मिले, ताकत मिले, एनर्जी मिले, भोजन मिले, और टाइप ग्लूसी यही काम करेगा। तो ये दवा दांत की जो रिपेयरिंग की प्रक्रिया उसे बहुत गुना फास्ट कर देगी, जिससे आपका दांत तेजी से ठीक होने लगेगा। एक समय आएगा कि दांत आपका बिल्कुल नेचुरल दांत जैसा आ जाएगा, मतलब बन जाएगा, आ जाएगा मतलब नया नहीं उगेगा, वही दांत ठीक हो जाएगा। अब आपने पूछा इसके साइड इफेक्ट क्या है। जो अभी तक थर्ड स्टेज के जो ट्रायल हुए हैं उनमें ये बात निकल के आई है कि इस दवा को यूज करने से बेचैनी होती है, घबराहट सी होती है, नींद भी नहीं आती, मतलब आदमी थका थका सा रहता है, ऐसे लक्षण इसमें देखे गए। इसके अलावा कोई और लक्षण नहीं पाए गए। बाकी जो लक्षण जो भी साइड इफेक्ट हैं वो फोर्थ स्टेज में आ जाएंगे, फिर उन्हीं को ध्यान में रखकर उन्हीं टाइप के मरीजों को दी जाएगी जिन्हें ये प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हार्ट के मरीज को अगर ये दवा दी जाए तो उसको ज़्यादा घातक परिणाम आ सकते हैं, या फिर कुछ अन्य किसी को समस्या है। भाई ये ह्यूमन ट्रायल होते इसलिए हैं कि भाई इससे क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, किन किन लोगों को क्या क्या प्रिकॉशन लेना है इस दवा को लेते समय, इसीलिए ट्रायल होते हैं। और इसके साइड इफेक्ट वो देखते हैं कि लगभग एक साल तक वो देखते हैं कि इस दवा को लेने के बाद इंसान को क्या क्या कुछ कष्ट झेलने पड़े या क्या क्या दिक्कतें हुई, उसके शरीर में क्या क्या बदलाव हुए। तो ह्यूमन ट्रायल होते ही ये दवा मार्केट में आ जाएगी, और जैसे ही आएगी तो आपको इसके अन्य और साइड इफेक्ट भी पता चल जाएंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट तो लेंगे नहीं, किसी डेंटिस्ट की मदद से लेंगे, किसी की सलाह से लेंगे, वो आपको इसके सारे साइड इफेक्ट बताकर तब ये दवा देगा। किसी जिम्मेदार व्यक्ति से ही सलाह लेना जो सही सर्टिफाइड हो, सही रजिस्टर्ड हो, उसे पूरी नॉलेज हो, ऐसे लल्लू पंजू से आप सलाह बिल्कुल मत लेना। तो यादव जी मुझे जी आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके मन में कोई और सवाल है, कोई शंका है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसी आशा के साथ कि दवा जल्दी मार्केट में आए और बहुत से लोगों का फायदा हो, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।